क्रांतिकारी जय हिंद साथियों, आप लोग के बीच में मैं आ गया हूँ सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के बारे में और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में मैं बात करने आया हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरी तबीयत कुछ डाउन चल रही है। आप लोग को चेहरे से मेरा पता चल रहा होगा, लेकिन साथियों अभी भी ये दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि लोग जो नफरत का जो जहर ये घोल रहे हैं अपने ही लोग, ये दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आ गया। और सबसे बड़ी मैं अपने पूरे बहुजन समाज को ढेर सारी बधाइयां देता हूं कि बहुजन समाज की सबसे बड़ी जीत हुई है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने महाराष्ट्र के सरकार को घुटनों की बदौलत ला दिए, ये आप सभी लोगों को पता है, भीमा कोरे गाँव जाके। तो साथियों मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए आया था इस विषय में कि हमारे जो समाज के कुछ लोग हैं जो कि वो लोग बात करते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद अलग से अपनी पार्टी बना रहे हैं। तो साथियों मैं आज आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने सिर्फ एक बात कहा है कि अगर मेरे दलित समाज के लोग उस काबिल रखेंगे तो राजनीति में मैं जाऊँगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी कोई पार्टी बना रहे हैं। तो जो हमारी पार्लियामेंट की शेरनी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हैं, आज जो भी ये भीम आर्मी पूरे देश में जो काम कर रही है, हम गरीबों की हक की जो लड़ाई लड़ रही है भीम आर्मी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग पार्टी बना रही है, ये गलत है। तो मैं वो समाज के जो हमारे जो समाज के जो लोग हैं जो ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि साथियों देखो, जो ये आप लोग जो अफवाह उड़ा रहे हो कि भाई चंद्रशेखर आजाद अलग से अपनी पार्टी बना रहे, तो ये जहर घोलना आप लोग बंद कर दो। मैं आप लोगों से जब अगर वो पार्टी बनाते हैं तो आप लोग को मैं ये वादे के साथ कहता हूँ कि अगर पार्टी अगर चंद्रशेखर आजाद भाई बनाता है तो मैं आप लोगों के बीच में खुद आऊंगा और बताऊंगा कि चंद्रशेखर भाई ने ये चीज गलत किया है। तो अभी से, क्योंकि अगर हमारे समाज का अगर कोई बेटा है, कोई भाई है, अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उसका हम हौसला बढ़ाएं कि और वो आगे बढ़े। इसका मतलब ये नहीं है कि समाज के अंदर हम लोग बैठ के और समाज के लोगों के अंदर हम लोग जहर घोलें, तो ये गलत बात है। चंद्रशेखर आजाद जो हैं ये अभी किसी राजनीति के मुद्दे पे नहीं गए हैं, ये एक समाजी एक संगठन चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग से पार्टी बना रहे हैं। तो मैं अपने सभी भाइयों से कहूँगा, पूरे बहुजन समाज से कहूँगा कि ये जो आप लोग अपने अंदर जो दिल में अपना ये बैठा के रखें, तो इस चीज़ को आप लोग ख़त्म कर दीजिए। ये झूठे का अफवाह मत उड़ाइए, है तो अपने समाज का ही बेटा है, अपने समाज का ही भाई है। शायद सबसे पहले दूसरी बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे अच्छा काम किया हमारे दलित भाइयों के लिए, अभी भी वो कर रही है। चंद्रशेखर भाई जो कि पूरे देश में बता दिया कि हम दलित भाई कितना हैं, कि दलितों की औकात कितनी है। तो जो हमारे जो भाई हैं जो लोग नफरत का जहर घोल रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाइयों अगर आप में दम, तो वो लोग जो हमारे समाज के ऊपर अत्याचार करते हैं आप उनके खिलाफ बोलिए। आप इसका मतलब ये नहीं, जो समाज का बेटा है आप लोग उसी पे कर रहे हैं, उसको हौसला देने की जहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ आप लोग उसके हौसलों को घटा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो मैं वो समाज के जो बल्ले हैं मेरे, उनको एक सीख देने के लिए आया हूँ, ये नफरत का जो जहर है ये मत बोलो। सभी लोगों से ये मैं कहना चाहूँगा, भाई चंद्रशेखर हम लोगों की शान है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद भाई अगर पार्टी बना लेते हैं तो तभी भी हमारा अगर वोट जाएगा तो हाथी के ही बटन पे दबेगा, भाई चंद्रशेखर के आजाद के पार्टी पे नहीं जाएंगे हम लोग। एक बात, इस बात को कान खोल के सुन लीजिएगा। लेकिन अगर ना उन्होंने पार्टी बनाया ना वो चुनाव लड़ने जा रहा, आप लोग मत उड़ाइए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहर घोलने का काम कर रहे हैं। बीच में आया था कहने के लिए क्योंकि तबीयत मेरी बहुत इस टाइम थोड़ी सी खराब चल रही है। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा, इस जहर घोलने का काम मत कीजिए। इस मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। क्रांतिकारी जय गुलाब।